गणपति जी का दूसरा दिन और दर्शन के लिए आ रही हैं मम्मी और मेरी मासी, दोनों इकट्ठे आ रही हैं। आओ जी, आओ आओ, दर्शन करने आओ। कुछ नहीं कहता कहता कुछ नहीं, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ, दर्शन करो भाई। यार इसको तो ये गुड मॉर्निंग करता है, जैसे ऐसे करता है, कुछ नहीं कहता, गुड मॉर्निंग करता है। आपकी है पहचान हुई है? हाँ, बड़ी लेट हो गई मम्मी, क्या हो गया? मैंने कहा इंतजार करता रहा, मैंने कहा आएंगे मम्मी, अब आएंगे। मैं कहता कट हो गया, नहीं आता हूँ, फोन पे ना लो, दर्शन करो। गणेश जी की आरती, दोबारा आरती हो रही है। और शक्ल देखो, फुल्का बन रहा है, बस इनको भेज दूंगी शॉप पे। उसके बाद मम्मी की फ्रेंड्स ने आना है तो वो कीर्तन वगैरह करेंगे, तो बस आज पूरा दिन हैक्टेक वाला रहेगा आज का भी। और डाइट भी, इधर से सेवियाँ बन रही हैं डाइट के लिए, और इनके लिए फुल्का सीख चुका है। तो आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है, तो सबके लिए शुभकामनाएं, सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो जी, और फटाफट मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मम्मी की फ्रेंड्स आ चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि सब गनू जी से मिलने आई हैं, तो सब ने बोला कि हम कीर्तन भी करेंगे और गनू जी से मिल के भी जाएंगे। तो आप कीर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। पता नहीं गन्नू जी आए दोपहर को, अभी अभी आपको ये लग रहा है कि ये बीमार हुई है, इसकी आवाज से लग रहा है कि ये बीमार है। दोस्तों अब आप सब देख रहे हैं कि देखो समोसे की प्लेट सामने पड़े और देखो हम सब यहाँ पे खड़े हैं। अब हम इस टाइम बड़ी दुविधा की स्थिति में है कि समोसे में कि लहसुन और प्याज का कुछ वो तो नहीं है, नहीं है। हाँ, सही बात है, पर तो इसलिए हम दुविधा में पड़े हैं। पर अभी हम भगवान जी का नाम लेके भोग लग चुके हैं, लग चुके हैं, इसलिए अब हम खा लेंगे, इसे खा लेंगे। तो गणपति बाबा का भूल चुको और माफ करना। हां जी, मम्मी जी को रौनक का वरदान है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है गनू जी का तीसरा दिन हमारे घर में, और आज ही हम विसर्जन भी करेंगे। तो विसर्जन के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, साथ ही मिलके विसर्जन करेंगे आज गनू जी का। और आज गनू जी थोड़े से ऐसे लग रहा है कि अब तीन दिन कम लग रहे हैं, हाँ तीन दिन कम लग रहे हैं गनू जी के लिए। जब ला रही थी तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है, जितनी मैं अच्छे से सेवा कर सकूँ और खुशियों से कर सकूँ उतना ही करूँ। तो लेकिन आज ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, कल हमारा मन भी था लेकिन हम सबको बोल चुके थे, सबको क्या मम्मी वगैरह है या घर में, या इतना तो मैंने किसी को इस बार बुलाया ही नहीं है, तो मम्मी को भी बोल दिया था। और फिर हम खुद से भी मान चुके थे कि कल हमने विसर्जन करना है, तो इसीलिए आज ही विसर्जन करेंगे। और आप साथ बने रहिएगा, और ये लीजिए गन्नू जी के दर्शन कीजिए आप। ये रे मेरे भोले भाले गन्नू जी हैं, प्यारे से गन्नू जी। सारे कर रहे हैं नाश्ता, मासी हाय बोल दो। तो आज हमारी मासी भी आए हुए हैं गन्नू जी से मिलने, इधर मम्मी भी बैठी हुई हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, नाश्ता खा रहे हैं, आ जाओ।
मजे कर रहे हैं आजकल हमारे भी मजे आए हुए हैं गन्नू जी के साथ। बुक सिखाई थी आपको स्टूडेंट को, आई ना मेरे तेरी बात सब मेरे को समझ में आया। मैं तो रोज शाम को सिखाती हूं, आके थक जाती हूं। माती अब आपका वो है कि आज आपने रील में गाना लगाना सीखना है, ठीक है? तो आज हम बताएंगे कि मासी स्टूडेंट पास है कि फेल है। मम्मी को मेरी बात ज्यादा समझ आती है, इससे पता चलता है ना। तो जी मैं जा रही हूँ फटाफट से मार्केट, क्योंकि मेरा रह रहा है अभी काम, सामान लाना है गणेश जी का और आज है विसर्जन, तो बहुत सारी लेने जा रही हूँ फटाफट से, मिठाई वगैरह और खीर मैं आज घर पे बना रही हूँ, और चलते हैं जल्दी से। आ गई चलो। अरे कंजक रानी क्या प्रसाद दे रही है, ओ वाह, जय गुरु जी, गणपति बप्पा। शर्म हरी ऋषि करता है। हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। हाँ देखो बहुत दिनों बाद मिलना, ये मुझसे ज्यादा बिजी है। तो भाई बहुत ही गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर। हाँ ये जाके ऐसे लग रहा है सांस नहीं आ रहा। तो फटाफट से अभी मुझे किचन का भी काम करना है, अभी किचन में राजमा चावल बनने हैं। क्या बनाया है? चावल बिक गए, चलो राजमा बनाने हैं बस, अब बनाते हैं। गर्मी में देखो हालत क्या हो गई है शक्ल की। तो हमने आरती स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब शाम को विसर्जन से पहले एक आरती होती है, तो वो आरती करके फिर गणेश जी को विदा करेंगे। तो अब सारे मिलके आरती कर रहे हैं और फिर पूरे घर में गणेश जी को घुमाया जाएगा, कि जिससे कि वो हमारे पूरे घर पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, पूरा साल हमारा घर खुशहालियों से भरा रहे। तो हर कमरे में घुमाया जाता है, हर कमरे का दिखाया जाता है, क्योंकि गणेश जी एक जगह बैठे होते हैं आके, तो अब उनको हर कमरे में ले जाया जा रहा है और हर कमरे से ले जाते हुए पूरा पीछे तक लेकर जाएंगे, कि गणेश जी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो गणेश जी ने हमारे घर में देखी ना हो। तो ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही हम करते आ रहे हैं, और अच्छा भी लगता है। जैसे गेस्ट आते हैं तो उनको सारा घर हम अपना अच्छा अच्छा सा दिखाते हैं ना, तो वैसे ही उनके साथ फील होता है। लेकिन आज मन बड़ा उदास अब हो रहा है, कि अब गणेश जी के जाने का टाइम हो रहा है और अब हम बड़ा उदासी सी हो रही है। तो गन्नू जी इसमें पानी में, और ये हैं चूहा है अभी, हाँ चूहा नहीं हुआ, चूहा अभी रह गया। तो पानी में पूरे डाइल्यूट हो गए हैं, तो अब हमने अपने पौधों में तो डाल दिया है, अब बाहर पार्क में डाला थे, क्योंकि इतना सारा पानी है कि घर में नहीं यूज हो सकता। तो आप ले जाओ, डालोगे
अंदर ही ले चलो। चप्पल उतार लो एक बार या बाहर से करोगे? कुछ बोलना? बड़ा दुख हो रहा है लेकिन एक चीज अच्छी है कि जो चीज जहाँ से आई है वो वहीं चली जाती है। चली जाती है, यही सृष्टि का नियम ही यही है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू चल दिया। और थोड़ी सी मिट्टी मैंने रख ली है, कहते हैं कि घर में भी थोड़ी सी मिट्टी सुखा के रख लेनी चाहिए जिससे कि घर में बरकत पड़ती है, तो मैंने थोड़ी सी रुमाल में अलग से रख दी है कि अच्छा होता है घर के लिए, शुभ होता है। ये ठीक है, वो जो नदियों में नहीं, वैसे भी लोग नदियों में जा के करते हैं ना, वो नहीं समझ आता कि सारा नदी को इतना गंदा कर देना कोई फायदा नहीं है उसका। पीछे पीछे आने की इतनी आदत है कि हमारा स्ट्रे डॉग है, लेकिन ये बहुत प्यार करता है हमसे। पेप्सी ये ले पेप्सी। तो अब गणेश जी गए आज सुबह, बस टाइम ही नहीं मिला, दो बज चुके हैं। अब फटाफट से बस गणेश जी की डेकोरेशन उतर रही है, जैसे आए थे इतनी खुशियाँ थी कि आ रहे हैं और कब जाने का भी टाइम हो गया उनका। अब शिवा कह रहे हैं मैं कहाँ से, अंदर पड़ी है लेडर तो ये लेने नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आलस कर रहा है तो ये यहीं से ही उतार रहा है चेयर रख के। वैसे एग्जाम है, और फोन मत बिल्कुल उठाई हो अभी, इसी पे खड़ा होके चेयर पे मैं आऊँ, रुक मैं आ रही हूँ। जाने के बाद ये सारा समेटा समूटी करते हैं और यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बाय।